स्वागत है आपका टेक्विला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑस्कर जैसे स्टेज में एक एक्टर ने, एक हॉलीवुड एक्टर में जिनका नाम है बिल स्मिथ, उन्होंने दूसरे एक्टर को थप्पड़ जड़ दिया, और थप्पड़ जड़ने की जो रीजन है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सुनने में तो बड़ा ही शॉक लगता है जब ऐसा थप्पड़ जड़ा, तो आपको रिएक्शन देखने थे बाकी सारे एक्टर्स के, भाई मजा आ गया एक्टर्स का रिएक्शन देख के। लेकिन जो थप्पड़ जड़ा है उसके पीछे रीजन क्या है, चलिए बता देता हूं। बिल स्मिथ ने जो है क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा, स्टेज में क्यों मारा, उसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि बिल स्मिथ ने जो है, क्रिस रॉक ने जो है बिल स्मिथ की वाइफ के ऊपर में कमेंट कर दिया जो उनको पसंद नहीं आया। क्या कमेंट था? वो कमेंट ये था कि आपकी जो फिल्म है, आपकी जो वाइफ है ज़ायडा, उनको फिल्म इसीलिए मिली क्योंकि उनके सिर में बाल नहीं है, वो टकली है। ये सुनते ही साथ जो है विल स्मिथ अपन आपा खो बैठे और उन्होंने जड़ दिए थप्पड़। और ऑस्कर में जो हॉलीवुड से लेके पूरी दुनिया के जहां पे जो लोग, हस्तियां आती हैं, वो देख के शॉक्ड रह गए कि भाई थप्पड़ क्यों जड़ दिया। तो उसका रीजन यही था। अब बात आती है कि क्यों आखिर जो है उनकी बीवी टकली है, तो उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, विल स्मिथ जो है उनकी वाइफ ज़ायडा है, जो कि एक बीमारी से ग्रसित है जिसका नाम है एलोपेशिया। और एलोपेशिया जो होती है दोस्तों बीमारी, जिसके अंदर में आपके शरीर के ऐसे सिंड्रोम्स चेंज होते हैं जिसके बाद में जो है आपके पूरे बाल झड़ जाते हैं। हालांकि अमेरिका में ये जो है बीमारी बहुत ही कॉमन है और इसकी बहुत सारे वहां पर पेशेंट भी हैं। तो ये था दोस्तों मामला। आई होप आपको सुन के समझ के जो है न्यूज मिल गई होगी, समझ में आ गया होगा कि बिल स्मिथ ने क्रिस गेल को थप्पड़ क्यों मारा। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए टेक विला यूट्यूब चैनल में। स्टे रॉक।